शामली में पबजी गेम पर बच्चों के बीच हुआ विवाद पलायन तक पहुंच गया है। दरअसल अपने ऊपर रिपोर्ट दर्ज होने से आहत गांव के करीब दर्जन भर ब्राह्मण परिवारों ने पलायन का फैसला किया। इतना ही नहीं, एक परिवार ने तो अपना आधा सामान ट्रैक्टर के द्वारा बाहर भेज दिया है, जबकि दूसरा परिवार घर पर ताला लगाकर कहीं चला गया है। जानकारी के अनुसार हसनपुर गांव में 23 अगस्त को बच्चों में पबजी गेम खेलने को लेकर विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि दो पक्षों में गोलियां चल गईं, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए थे। वहीं अब 4 दिन बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोप है कि अब पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर भी मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, जिससे गुस्साए गांव हसनपुर में ब्राह्मण परिवार के लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा दिए हैं। यहाँ झगड़ा हुआ था आपस में, और झगड़े में हमारे बच्चों को गोली मार दी। कुछ हमारे जो लड़की है बीएमसी में भर्ती है, कुछ घरों है। अच्छा, और वो जो केस है वो केस हमारे पे डाल दिया दोबारा। हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब अन्याय मिलेगा, न्याय मिले हमें, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो अच्छा, आप योगी सरकार के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे अभी, मंत्री का शोषण हो रहा है योगी सरकार में, और क्या करें हम, हमें तो करना ही पड़ेगा, हमें तो जाने पड़ेगा गाँव में से, हम तो सामान लेकर जा रहे हैं अब जा। अच्छा, मंत्री जी के खिलाफ भी आपने, और मंत्री भी हमारी नहीं सुन रहा, ना सुरेश राणा सुन रहा, ना तीन निर्वाल सुन रहा, और प्रधान क्यों नहीं कही है। अच्छा, हमें तो गाँव में से जाना ही है, हम तो सामान भर के अपने बच्चों के लेकर जाएंगे। हमारे बच्चों को गोली लग रही, दो लड़की को लग रही, दो लड़कों को लग रही, अच्छा भैंस का गोली लग रही, घर में बैठकर गोली मार रखी, और वो केस उल्टा हमारे पे डाल दिया ना। पीड़ितों ने अपने घरों पर पलायन के पोस्टर लगाए और जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दबाव बनाकर क्रॉस रिपोर्टिंग दर्ज कराई गई है। अच्छा, क्या मामला हुआ? सुनवाई होती थी वहाँ मंदिर के दौरे पास में, और फिर आया था यहाँ गोली चलाई थी। अच्छा, तो अब कितने लोग घायल हुए थे उसमें? उसमें 4-5 घायल हुए। वहीं ब्राह्मण परिवारों के पलायन और पोस्टर चिपकाने की खबर से अधिकारियों में हलचल मच गई। SDM संदीप कुमार और CO जितेंद्र कुमार गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें समझाकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। वहीं CO सिटी ने बताया कि मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और फरार शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। थाना कोतवाली शामली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसनपुर में दिनांक 24 अगस्त को दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। पहले इनके जो बच्चे हैं उनमें खेलने को लेकर वाद विवाद हुआ था, और उसी वाद विवाद में ये झगड़ा फिर इनके जो बड़े हैं उनके बीच भी हो गया, और इसी झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई थी, जिसमें से कुछ छर्रे दोनों ही पक्षों के 5-6 व्यक्तियों को लगे थे, जिन्हें उपचार हेतु तुरंत अस्पताल भेजा गया था। साथ ही इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें एक पक्ष श्रीनिवास शर्मा की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें 6 लोगों को नामजद करते हुए आरोपी बनाया गया था, उनमें से हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साथ ही जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल गांव में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस जाँच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन ब्राह्मण परिवारों के पलायन के फैसले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पंजाब केसरी TV के लिए शामली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।